इसमें फिलहाल एक ही फल बचा हुआ है क्योंकि कुछ बच्चों ने काफी फल इसके तोड़ दिए हैं। दोस्तों आज दोस्तों हम आपको आम के बारे में बताने जा रहे हैं कि गमले में कटिंग करके किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, है ना, और कहाँ से कटिंग करनी है, कितनी कटिंग करनी है, है ना, और जितनी भी हाइट का आप पौधा रखना चाहेंगे उतनी हाइट का आपके गमले में बना रहेगा और फल भी खूब सारे आएंगे, है ना। ये देखिए हम इस प्लांट को यहाँ से कट कर चुके हैं, ठीक है, ये देखिए, है ना, और इसमें ब्रांच देखिए कितनी सारी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 7 ब्रांच आ रही हैं इसमें। और इसको आप अभी फिलहाल 16 इंची गमले में लगा सकते हैं, 16 इंची गमले में खूब अच्छे से चलेगा। ये देखिए इस टाइम कितनी हैवी हो रही है इसकी, कितनी अच्छी हो रही है। अगले साल जब फल आएगा ना इसपे तो ये फलों से भर जाएगा। और ऐसे ही इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये कुछ टेढ़ा भी हो रहा है, तो हम इसको कट करेंगे, यहां से कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम इन पत्तों को नहीं हटाएंगे क्योंकि पत्तों से ही प्लांट खाना बनाता है अपना, तो इतने पत्ते हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इनको बाद में कटिंग कर देंगे जब इसमें नई ब्रांच आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो मेरे प्लांट थे। तीसरा है ये देखिए, ये देखिए इस पे फल तो काफी सारे लगे हुए थे, अभी इस पे फिलहाल एक ही फल बचा हुआ है क्योंकि कुछ बच्चों ने काफी फल इसके तोड़ दिए हैं, तो इसको तो यही रख देते हैं, ठीक है। अब इस वाली ब्रांच को और काटते हैं हम, इस वाली, बाकी इसको अभी हम नहीं काटेंगे, इसको थोड़े दिन बाद काटेंगे हम, है ना, जुलाई में और कटिंग कर देंगे इसकी, तो ये यहीं की यहीं घना हो जाएगा। और हम आपको दो प्लांट और दिखाते हैं जो हमने पहले कटिंग करी थी, दिखाते हैं हम आपको किसके कितने अच्छे हो गए हैं। आइए देखिए, ये हमने कुछ टाइम पहले, करीब 1 महीने पहले हमने इसकी कटिंग करी थी, देखिए कितनी सारी ब्रांच आ रही है, सारे नए पत्ते निकल के आ गए हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए हमने कुछ पत्ते छोड़ दिए थे ये पुराने, तो आज इनको कट कर देते हैं, ठीक है, ये स्टिक भी हटा देते हैं, ये वाली, कितने हेल्दी हो रहे हैं ये। अब जितने टाइम अगले साल जब इस पे बौर आएगा ना तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फल रुकेंगे, है ना, झड़ा झुड़ी नहीं होगी, काफी गुच्छे में फल आएंगे इसमें, है ना। और इसकी थोड़ी सी गुड़ाई और कर देते हैं, इस तरीके से हर महीने गुड़ाई होनी चाहिए, प्लांट कोई सा भी हो, फूलों का हो चाहे फल का हो, इस तरीके से गुड़ाई करिए, देख रहे हैं इस तरीके से, सही है। ये हमारा 16 इंची के गमले हैं और प्लांट देख रहे हैं कितने अच्छे हो रहे हैं इसमें। इसी में ही अगर आपको करना है तो कटिंग होती रहेगी, है ना, कम हाइट का पौधा होगा, ब्रांच ज्यादा होंगी और फल एकदम भर भर के आएंगे इससे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी बोन मिल डाल देते हैं, इतनी इतनी डालेंगे, ज्यादा नहीं, गर्मी का टाइम है, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देते हैं फिर। अब पूरे दिन इसमें धूप लगेगी, है ना, ये देखिए थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, ठीक है, हो गया। तो देखा आपने हमने किस तरीके से कटिंग करी पौधों में और इसकी भी बताई हमने किस तरीके से किया था, है ना। तो अगर आपके वहाँ आम का पौधा गमले में लगा हुआ है तो आप इसी तरीके से कटिंग करके और कम हाइट का रख सकते हैं और बहुत सारे फल आएंगे आपके, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।